नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा है बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के ऊपर। आज इस वीडियो में बजाज फाइनेंस की बात करेंगे, फिनसर्व की बात अगले एक वीडियो में बाद में कर लेंगे, लेकिन फाइनेंस के ऊपर क्वेश्चंस आए हैं कि करें क्या, क्योंकि ये स्टॉक अब और तेजी पकड़ने की तैयारी करता हुआ शायद नजर आ रहा है, तो क्या किया जाए। आज से कुछ महीने पहले 6000 के आसपास जब ये स्टॉक था, तब मैंने बताया था कि मैं इसमें बाय कर रहा हूँ, मैं क्वांटिटी ऐड कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी धीरे धीरे ऐड कर रहा हूँ। और बजाज फिनसर्व उस टाइम पे 1200-1300 की रेंज में था, हमने बात करी थी इसी वीडियो में कि ऐड कर सकते हैं बिंदा एकदम, और ये स्टॉक उड़ेंगे आने वाले कुछ समय के अंदर, बहुत बड़ी तेजी आ सकती है। राइट नाउ स्टॉक देख सकते हो वहां से काफी अच्छा 30% का जंप तो अभी ले सकता है, और अभी भी और अपसाइड के पोटेंशियल शायद इसमें होते हुए नजर आए, तो वो हमें एनालाइज करना है, तो वो चीजें करेंगे। लेकिन आपका कोई क्वेश्चन है कमेंट में आप भी बिंदास निसंकोच बता सकते हैं, ताकि अगला वीडियो का टॉपिक शायद आपका स्टॉक ही हो जाए। ध्यान रखिए हाथों हाथ वीडियो नहीं आता, नोट डाउन रहता है, कुछ समय बाद उस पर वीडियो अपलोड हो जाता है। करते हैं इसके ऊपर बात, लेकिन कुछ फंडामेंटल्स के ऊपर भी मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन कुछ फंडामेंटल्स के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको वही दिखाना चाहता हूं कि राइट नाउ बजाज फाइनेंस का जो क्वार्टरली रिजल्ट का ट्रैक है वो कैसा है। देखिए मार्च में रिजल्ट आए हैं, 23 में 11000 से ऊपर की सेल्स है, 11000 करोड़ से, और 3100 करोड़ से ऊपर के प्रॉफिट दिए कंपनी ने। लास्ट ईयर इसी मार्च में, मार्च 22 के अंदर 8600 करोड़ की सेल्स थी एंड 2400 करोड़ से ऊपर के प्रॉफिट थे। यानी सेल्स के अंदर आप ग्रोथ देखिए क्या जबरदस्त रही है। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स की ग्रोथ देखेंगे तो मुझे कहीं कमी नजर नहीं आती है। अगर आप प्रॉफिट की ग्रोथ देखेंगे मुझे कहीं कमी नजर नहीं आती है। मार्जिन कंपनी 38-39% के मेंटेन करती है, कोई कमी नजर नहीं आती है। नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे कंपनी का तो बहुत जबरदस्त रहा है, कहां से कमी नजर आ रही है मुझे तो नजर नहीं आ रही। ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए घट रहे हैं, ये बहुत बढ़िया साइन होता है फाइनेंस वाली कंपनियों के लिए, तो ये भी एक अच्छा साइन मुझे मानना होगा। साथ में अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेंगे 2018-19-20-21 सारा देखिए आपके सामने है, तो 2020 के अंदर कंपनी प्रॉफिट करती थी 5200 करोड़ का और आज कंपनी प्रॉफिट कर रही 11500 करोड़ का। 21 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट हुआ था कम क्योंकि कोविड था, लेकिन 22 का प्रॉफिट था 7000 करोड़ के लगभग का, और आज 11000 करोड़ के प्रॉफिट के ऊपर भी क्या सेम वैल्यूएशन पे हम काम करवा लेंगे? आई डोंट थिंक सो, अपसाइड पेंडिंग होनी चाहिए। साथ में ये और चीज नोटिस करिए कि एवरेज पी पिछले 10 सालों का बजाज फाइनेंस का 47.8 है, 5 सालों का अगर एवरेज पी मैं यहां पे देखूं तो 49 का है, और करंट एवरेज पता है आपको क्या चल रहा है, करंट जो पी चल रहा है वो एवरेज नहीं, वो 40.40 का चल रहा है। तो आज हम अपने 5 से 10 सालों के एवरेज पी के नीचे भी ट्रेड कर रहे हैं, तो ओवरवैल्यूड भी इस पोजीशन पे हम इसको नहीं कह सकते, ये भी हमें स्वीकार करना होगा, मानना होगा। तो राइट नाउ क्या किया जा सकता है, इसके अंदर क्या हो सकता है, डिटेल डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले देखिए कि वीकली चार्ट आपके सामने खुला हुआ है, इसकी कुछ पिछली गिरावटें हैं उनको आपको समझना चाहिए कि हुआ क्या है। देखिए पीछे स्टॉक अभी रिसेंट में करेक्ट हुआ है 35% अपने हाई से, उससे पहले 25% गिरा, उससे पहले 63% कोविड में गिरा, उससे पहले 20% एंड उससे पहले 35-36% गिरा, मतलब 20-36% की गिरावट बजाज फाइनेंस के लिए नॉर्मल है, जो कि इसमें आती है और होती रहती है। ये हमने देखा है, इसको समझा हमने कि ये गिरावट आ सकती है और कभी भी आ सकती है गिरावट, लेकिन ये भी चीज हमें ध्यान रखनी होगी कि इस गिरावट के बाद क्या होता है। ध्यान से समझिए, ऐसी गिरावट आने के बाद जब भी स्टॉक पिछले हाईज को काट के ऊपर निकलता है तो एक शानदार तेजी में स्टॉक के जाने की संभावना हमें नजर आती है। तो क्या इस बार भी वैसा हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, संभावना तो है, गारंटी नहीं है। उस गारंटी के लिए देखिए बाजार जाके कोई सामान खरीदिए, टीवी फ्रिज कूलर ऐसे वैसी, उसमें गारंटी वारंटी मिलेगी? स्टॉक मार्केट में नहीं मिलती है, इस बात को ध्यान रखना होगा। और 6 दिन में रोने चिल्लाने से कभी कोई प्रॉफिट भी नहीं बनाते, 2-4 दिन होते नहीं है कि लोग चिल्लाने लग जाते सर चला नहीं क्या करूं, ऐसा नहीं बनेगा, टाइम लगता है इन चीजों में। अब इसको समझिए, टाइम भी मैं बताऊंगा कितना लग सकता है वो भी आपके सामने क्लियर करूंगा। तो ये आपने देखा कि पिछले हाईज के बाद में एक बड़े अपसाइड के पोटेंशियल भी हमें इस स्टॉक में नजर आए। निफ्टी 50 का स्टॉक है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। हाँ, कुछ मेरे ज्ञानी भाई हैं जिनको लगता है इस कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं है, बेकार कंपनी है और ये डूब सकती है, तो उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, उन ज्ञानी भाइयों को अपना ज्ञान मुबारक हो। और यहां पर ध्यान रखिए, हम जैसे अज्ञानी लोग हैं वो इस कंपनी के फंडामेंटल अच्छे मान के बैठे हैं, तो हम अपने अज्ञान में खुश हैं क्योंकि हम पैसा बना रहे हैं इसके अंदर। आप अपने ज्ञान में खुश रहिए, अगर आप पैसा नहीं बना रहे तो भी आप वहां पर खुशी ले सकते हैं, लेकिन हमें अच्छे लगते हैं फंडामेंटल। तो प्लीज आप ये मत कहिएगा वीडियो में कि इसके फंडामेंटल अच्छे नहीं है, बिल्कुल अच्छे हैं। आगे समझिए इस चीज को, वीकली चार्ट में पॉजिटिव लगता है, मैं सारी चीज हटाता हूं ड्रॉइंग्स। यहां पर एक चीज समझने लायक है कि वीकली चार्ट पे इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है वो बात करेंगे, ट्रेडर्स के लिए क्या हो सकता है, इन्वेस्टर्स के लिए क्या हो सकता है, क्लियर इंफॉर्मेशन लेंगे। यहां पर देखिए ये जो लेवल है 8000 का और यहां पर बीच में आती है एक रेंज 7700 की, इस रेंज के अंदर जब भी ये आया है ना इसको फेंक दिया है बेचारे मार्केट ने, कहा चलो नीचे जाओ यहां पर तुम्हारी कोई जगह नहीं है, इसको नीचे फेंका है बार बार।
कितनी बार फेंक दोगे भैया, ये बार बार उठ के वहीं आ रहा है कि मान लो। अब आप एक काम को बार बार करने के लिए किसी को कहोगे तो वो कभी ना कभी तो मानता ही है। तो इसी कारण यहाँ पर भी सेम सिनेरियो क्रिएट हो रहा है कि अब ये जो बार 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 यहाँ पर हथौड़ा मारा जा रहा है ना, ये हथौड़ा इस चीज़ को तोड़ेगा और ऊपर के साइड निकालने की कोशिश करेगा। बुल्स एक्टिव हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। तो वीकली चार्ट तो पॉजिटिव नजर आ रहा है कि अब की बार कटेगा और कटेगा तो फटेगा। मंथली चार्ट को देखना इंपॉर्टेंट है कि मंथली ट्रेंड क्या है। वीकली ट्रेंड तो बुलिश है, मंथली ट्रेंड भी मुझे कोई खराब नहीं नजर आ रहा है। मंथली चार्ट पे भी साफ दिख रहा है कि इस रेंज पे आपने इसको बेचारे को बार 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 फेंका है नीचे की साइड में, लेकिन अब नहीं चलेगा। और एक इंटरेस्टिंग चीज, आपने जो लास्ट टाइम बड़ी गिरावट करी थी वो इतनी बड़ी थी इस वेव में। अब देखो इसी वेव के अंदर है ना बजाज फाइनेंस कैद है। ये वेव कब लगी थी आप समझो इस चीज को, ये वेव लगी थी अक्टूबर 2021 में जब मार्केट ने टॉप लगाया था पिछला वाला 18,600 का, और नीचे में लगी थी जून 2022 में जब मार्केट ने बॉटम लगाया था पिछला वाला। तो अक्टूबर 21 से 22 जून के बीच में ये वेव लगी थी, इसी के हाई और इसी के लो के अंदर आप कैच हो। लास्ट वेव भी इसी रेंज के अंदर लगी थी और अब की बार इसके हाई को काटने के चांस ज्यादा नजर आ रहे हैं। और किसी ज्ञानी भाई को लग सकता है कि इसका लो कटेगा, उसको वो बात मुबारक। देखिए हमें ये लगता है कि ऊपर का हाई कटेगा तो हमें वो चीज़ मुबारक, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, मंथली चार्ट भी पॉजिटिव, डेली चार्ट की एक बार बात कर लेते हैं, थोड़ा बहुत उधर भी देख लेते हैं। और यहाँ पर डेली चार्ट पे भी आपको दिख रहा होगा कि एक बार फिर से देखिए इसको ऊपर की तरफ से फेंका गया है। देखिए ध्यान से, मैं यहाँ पे 200 EMA भी अभी थोड़ी देर में लगाऊंगा, लेकिन पहले इतना देखिए, फिर से देखिए इसको यहाँ से वापस फेंका जा रहा था। अब फिर से देखिए 8,000 को टच करते इसको वापस फेंक दिया कि नीचे जाओ तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं है। लेकिन ये फिर से सीना तान के ऊपर आ रहा है कि जगह कैसे नहीं है, ऐसे कैसे, जानते नहीं हो क्या हम बुल्स हैं, और ये वापस निकल के आ रहा है। तो अब ये क्या करेगा आप भी समझ गए हो। आओ इस चार्ट पे हम लगाते हैं 200 DEMA 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, क्या उसके ऊपर है या नहीं है। बिल्कुल उसके ऊपर है, तो मुझे तो बुलिश लगता है, मुझे बेरिश नहीं लगता। किसी ज्ञानी भाई को बेरिश लगता है तो वो उसे मुबारक हो, इस बात का भी ध्यान रखिए। आइए अब चलते हैं इसके लेवल्स के ऊपर बात करते हैं, और करना क्या है अभी, ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल है उसके ऊपर सारा डिस्कशन करेंगे। लेकिन ध्यान रखिए किसी टाइप की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जनरल डिस्कशन है जिससे आप सीखे समझे और पैसे बचाए और कमाए। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करिए। का मेरी मूर्खता की वजह से आपको नुकसान हो सकता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। हम 100 में से 100 बार गलत हो सकते हैं, लेकिन आपका पैसा नहीं डूबना चाहिए। इसके लिए अपने एक फाइनेंशियल एडवाइजर रखिए, उससे कंसल्ट करिए, या फिर मुझसे सीखना है तो वेव एनालिसिस की डिटेल डिस्क्रिप्शन में, वहां आइए तब मैं आपको कंप्लीट गाइड कर सकता हूं। अब ये हमें चार्ट दिख गया, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल क्या है सबसे पहले नोट करो कि बुल्स कब वीक हो जाएंगे। बुल्स वीक हो जाएंगे यहाँ पर 6,940-45 के नीचे, यहाँ पर 6,945 के नीचे बुल्स वीक हो जाएंगे। मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लगा देता हूँ 6,945 का लेवल, ये लेवल है, इसके नीचे बुल्स वीक हो जाएंगे। तब तक बुल्स वीक नहीं होंगे, लास्ट टाइम भी अगर आप देखेंगे तो इसी लेवल को सपोर्ट बना के स्टॉक टिका हुआ था, जैसे इसको काटा चलो मेरे भाई साहब नीचे चलिए आपकी जगह यहाँ नहीं है, मार्केट ने कह दिया। अब की बार इसी लेवल को सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, मार्केट कर रहा है चलो ऊपर लेके चलते हैं। लेकिन अगर ये लेवल टूटा तो फिर बेयर्स जो है वो हावी होंगे, बुल्स वीक हो जाएंगे, ध्यान रखना है। तो इंपॉर्टेंट लेवल हमें पता चल गया कि ये है। अब देखो मैं इसमें, मेरे तो ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टमेंट है, मैं साफ डिस्क्लोजर दे दूं, और मैं इसमें बेचने वाला भी मूड में भी नहीं हूं फिलहाल। लेकिन ये बता दूं कि कोई ट्रेडर है या मानो कोई ट्रेडिंग करता है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या है वो नोट कर ले, बेचना नहीं बेचना अपनी मर्जी। सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल होगा 8,200 से 8,300 की एक रेंज, एक छोटा सा इंपॉर्टेंट लेवल होगा, ध्यान रख लीजिए। आज आप 7,600 के पास खड़े हो, यहां से 600-700 पॉइंट नीचे आपका बड़ा सपोर्ट है, और 600-700 पॉइंट ऊपर ही एक बड़ा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। सेकंड जो लेवल होगा वो होगा 8,800 से 8,900 की रेंज, ये भी आप नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, ये सेकंड रेजिस्टेंस रेंज हो सकती है। थर्ड रेजिस्टेंस रेंज होगी यहां पे 9,700 से 9,800, और लॉन्ग टर्म में देखिए स्टॉक 10,000 प्लस भी जाता हुआ मुझे तो नजर आता है, बाकी जिसको नहीं आता वो समय आने पे मार्केट का जवाब ले लेगा अपने आप। तो ये संभावना है, कितने समय के अंदर ये तीनों रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज किस टाइम के लिए हमें प्ले कर सकते हैं, हम 6 से 12 महीने के लिए अगर व्यू रखते हैं तो ही प्ले कर सकते हैं। अगर हमारा व्यू 6 हफ्ते का है तो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं 6 हफ्ते मार्केट चले, यहां पर मार्केट कंसोलिडेट भी कर सकता है, देन 8,000 के ऊपर का जब ब्रेकआउट करेगा तो ये मूव्स निकलने संभव होंगे। तो कंसोलिडेशन भी हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना है, हो सकता है नीचे ना सपोर्ट तोड़े ना ऊपर रेजिस्टेंस तोड़े, तो समय कम है तो ये काम मत करिए, क्योंकि अभी तेजी वाले ट्रिगर बने नहीं है, इंडिकेशंस आ चुके हैं, जो ट्रिगर होता है ना कि हाँ अब एक्सेलरेशन होगा वो नहीं हो रहा, तो एक्सेलरेट पे पैर अभी दबा नहीं है, वो 8,000 के ऊपर दबेगा, इसका ध्यान रखना होगा। 6 से 12 महीने का व्यू है, तो तीन इंपॉर्टेंट जो रेंज है वो मैंने आपको दे दी। आप इसको ये मत सोचिए, आप ये सोचिए कोई 700 रुपये 750 का शेयर है, 820-830 पहली रेंज है, 880-900 दूसरी रेंज है, और ऐसे 970-980 तीसरी रेंज है, ऐसे समझिए, क्योंकि ये बड़ा शेयर है तो शायद समझने में दिक्कत हो सकती है। तो ये तीन रेजिस्टेंस हैं जो दिखती है साथ में। अब आपको मैंने जैसे दिखाया कि भाई आपके प्रॉफिट जो यहाँ पर
थे, जब आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे थे, जो आपके प्रॉफिट थे उस वैल्यूएशन पे, आप यहाँ से प्रॉफिट को ट्रेड नहीं करा सकते, यहाँ पे शेयर प्राइस वो ट्रेड नहीं होगा। आज आपके यहाँ पर आपके प्रॉफिट थे लगभग 7,000 करोड़ के और आज आपके प्रॉफिट है 11,500 करोड़ के, तो आपकी वैल्यूएशन आएगी। दो साल से अंडर परफॉर्मेंस रही है, ऐसा नहीं होता है, जनरली ऐसा होता भी नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ, दो साल बाद स्टॉक निकलता है तो बड़ी तेजी में आ जाता ही है। आप इसकी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, यहाँ से देखिए, जब भी इसने एक बड़ा कंसोलिडेशन किया, निकला तो बड़ी तेजी आई, वापस करेक्शन तो आएंगे, ऐसा नहीं है करेक्शन नहीं आएंगे, वापस करेक्शन आया, फिर देखिए फिर से जब निकला तो फिर बड़ी तेजी आई, फिर से करेक्शन आया, फिर जब निकला तो फिर बड़ी तेजी आई, फिर क्रैश आया पूरा कोविड वाला, फिर जब निकला तो फिर देखिए फिर बड़ी तेजी आई। तो क्यों अब की बार क्यों नहीं निकलेगा भाई, अब की बार क्या कंपनी में कोई दिक्कत है क्या? मुझे तो नहीं लगती है। और यहां पर संभावना है कि स्टॉक जो है 10,000 से ऊपर के लेवल बजाज फाइनेंस दिखा सकता है। बात का ध्यान रखना है इन्वेस्टर्स को, और ट्रेडर्स के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है वो भी बताएं। अब क्वेश्चंस, सर मेरे पास पढ़ा है मैं क्या करूं, मेरे पास पढ़ा है मैं क्या करूं, मतलब कहां से पढ़ा है समझो, कहीं से भी पढ़ा हो इस बात का ध्यान रखो। अब ट्रेलिंग एसएल हो सकता है अगर आपके पास नीचे से है, और अगर ऊपर से है तो फिर भी इस तरह का ध्यान रखना है कि 6,945 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको नोट डाउन आप करके रख लो। सेकंड, अब आपके पास पड़ा नहीं है, कह रहे हो मेरे को तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है, ट्रेड करनी है, तो ध्यान रखो भैया ट्रेड कर रहे हो तब तो आपको ये लेवल का इंपॉर्टेंस समझना होगा, कि ट्रेड करने वाले हो तो इस लेवल का इंपॉर्टेंस समझना होगा। इसके नीचे एग्जिट बनता है, मतलब एक तरह का बुल्स वीक होते हैं, इसके ऊपर आएगा वापस बुल्स एक्टिव हो जाएंगे, वापस लेने की चांसेस खुल जाएंगे। लेकिन कोई इन्वेस्टमेंट के लिए जाना चाहता है कि अब इन्वेस्टमेंट के लिए जाऊं, इन्वेस्टमेंट के लिए जाने का कभी कोई समय नहीं होता, कभी भी जा सकते हो बिंदास, लेकिन वो अब बाय ऑन डिप टाइप मोड होना चाहिए, एक बार में पूरा पैसा लगाना मूर्खता हो जाएगी, इस बात को ध्यान रखना होगा आपको। और थर्ड चीज आएगी कि सर मेरी एसआईपी चल रही है क्या करूं, उसको तो भैया राइड करो बिंदास, ऐसा लगता है इस चार्ट को देखिए कि राइड किया जाना चाहिए, कोई दिक्कत एसआईपी वालों को नहीं होनी चाहिए अगर उनका विजन अभी भी आगे रखने का है। लेकिन किसी का विजन है कि नहीं मैं एसआईपी अब रखना नहीं चाहता, मुझे आने वाले 6 महीने में पैसे चाहिए, तो फिर वेट करो 6,945 के सपोर्ट के साथ में वेट करो। अगर आपको एसआईपी से पैसे निकालने हैं इस सपोर्ट के साथ वेट करो, ऊपर में जब वो रेजिस्टेंस मैंने बताएं उनके पास जाए तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करना कि यहां बेच लूं क्या, क्योंकि आपको पैसे चाहिए, तो पैसे नहीं चाहिए बिंदास राइड। तो ये था कंप्लीट एनालिसिस बजाज फाइनेंस के ऊपर, फिनसर्व के ऊपर भी जल्दी वीडियो लाने की कोशिश होगी, लेकिन फाइनेंस का आपने समझ लिया होगा क्या संभावनाएं हैं, कैसे हो सकता है। कोई क्वेश्चन हो कमेंट में बताइए, जिस स्टॉक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए वो भी कमेंट में बताइए, नोट डाउन होता है, समय आने पर उसका भी वीडियो आएगा। साथ में अगर आप ये चीजें सीखना चाहते हैं, इन वेव्स को समझना चाहते हैं, देखिए मैं यहां पूरा नहीं समझा सकता, उसके लिए आपको वेव एनालिसिस में आना होगा, जहां मैं क्लियर आपको गाइड करता हूं, 2 महीने 1-to-1 आप मेरे साथ सीखते हैं, लाइफ टाइम ट्रेनिंग ग्रुप का पार्ट रहते हैं। लाइफ टाइम क्यों रखते हैं, क्योंकि हमें अपनी सिखाई हुई एनालिसिस पे भरोसा है कि उस बंदे को कभी जीवन में दिक्कत आएगी नहीं, और आती है तो हम हमेशा तैयार बैठे हैं, इसीलिए लाइफ टाइम रखते हैं कि कभी भी उसको दिक्कत है, कोई शिकायत है कॉन्टेक्ट करे, बताए इस ग्रुप में कि हाँ मुझे इस चीज की दिक्कत आ रही है। ऐसे नहीं है कि आपने सीखा और सीख के आप चले गए, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास रहते हैं, ट्रेनिंग के बाद में आपको कोई दिक्कत हो तो आप पूछिए कि ये दिक्कत आ रही है इस स्टॉक में, ये सवाल मेरे मन में जाग रहा है। तो ये एक कॉन्फिडेंस है हमारा कि हमने जिसको ट्रेन किया है वो चीज़ करेगा, और ये कोई कोर्स नहीं है, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इंडिविजुअल 1-to-1 क्लास कोई नहीं करवाता, हम इसीलिए करवाते हैं ताकि एक डेवलपमेंट हम कर सके जो इंसान हमारे पास सीखने आए उसकी स्टॉक मार्केट जर्नी में। साथ में अगर आप उस चीज़ की जानकारी चाहते हैं वेब एनालिसिस की, तो डिटेल डिस्क्रिप्शन में है, कॉन्टैक्ट करके पूछ लीजिए क्या होता है कैसे होता है, इस नंबर पर आपको जानकारी मिल जाएगी। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं जहां मैं चार्ट पोस्ट करता हूं प्रीमियम, तो उसके लिए आपको ज़ेरोधा एंजल अपस्टॉक्स या लाइफ ब्लू लिंक डिस्क्रिप्शन में अकाउंट खुलवाना होगा, नंबर पे लिख दीजिए आई वांट टू ओपन अकाउंट, या फिर इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, आपकी हेल्प हमारी टीम कर देगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।